purpose as it is a dream. Shri Shri Chaitanya Charita Amrita Anta Lila Ekadash Parichhed. Namami Hari Dasam Tam Chaitanyam Tancha Tat Prabhum Samsthitamapi Janmukhim Sankirtita Namartaja. So Krishna Das Kavira चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम कर क्यों और हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम कर रहा है। हरिदास ठाकुर जब जब शरीर चढ़ा उस समय श्री कृष्ण चैतन्य नाम त्वरित उच्चारण नामेर शरीर प्राण हरिल इसे ही लेता है। तो हरिदास ठाकुर ने तो वहाँ नियम था हरिदास ठाकुर को हर दिन महाप्रभु जो प्रसाद पाते है आने का बाद जो बांट जाता है उनका जो झूठा प्रसाद है और जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला करके महाप्रभु का जो सेवक है उसका नाम है गोविंद हर दिन हरिदास ठाकुर को देने के लिए ऐसा एक दिन देने के लिए आया। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लोया हरिदासे दीते गेला आनंदित होया बड़ा आनंद से आया हरिदास ठाकुर प्रसाद देने के लिए। देखे हरिदास ठाकुर करिया शयन मंद मंद करते शंखा संकीर्तन। तो हरिदास ठाकुर सोया हुआ है और धीरे धीरे ऐसा बहुत साउंड कम है इसे धीरे धीरे नाम कर रहा है। गोविंद कहे उठो आशी कर भोजन हरिदास कहे आजी करी मलंघन। तो बोलता प्रभु जी उठिए और हम प्रसाद ले आया प्रसाद सेवा कर लीजिए। हरिदास ठाकुर बोला और सेवा नहीं करेगा। शंखा कीर्तन पूरे नहीं कैमते खाई महाप्रसाद आनिया कैमते उपेक्षा। तो हम तो शंखा पूरण करते हैं हर दिन इतना शंखा होने से तब हम प्रसाद पाएगा। हम लोग भी सब हरिनाम करते हैं और माला मिला है गुरु जी के पीछे पता नहीं है किसका कैसा नियम है। हरिदास ठाकुर ये बताते हैं कम से कम एक लोग का हरिनाम तो कर लो उसका बाद पूछता। लेकिन अभी शरीर में ताकत कम हो गया उम्र हो गया माला तो टानना पड़ेगा ना। एक लोग के पास टानना तो कम नहीं है इसे सब करके हरे कृष्ण को मुंह में बोलना पड़ेगा हाथ में तो ऐसा करना चलेगा। जब उम्र ज्यादा हो जाए ये तो ऐसा चाहता जो भी चलेगा भी ये भी धीरा चलेगा मुंह का बात भी धीरा हो जाए सब धीरा। इसलिए हमारा प्रहलाद महाराज बोला है भाई हरिभजन कुमार काल से आरम्भ करो। पांच साल हो जाए तो हरिनाम करना शुरू कर दो। कोई कोई बोलता है अरे अभी क्या है बुढ़ापा आ जाए तब करना। अरे बुढ़ापा आ जाए हरिनाम करेगा कुछ नहीं कर सकता है तो उस समय हरिनाम करेगा। हरिनाम कैसे मन चंचल हो जाता है मतलब क्या है हरिनाम इधर दर्द करता है ये हो रहा है वो हो रहा है शरीर तो ऐसा ही हो जाता है तो हरिनाम कैसा होगा। तो हरिदास ठाकुर छोटा से हरिनाम किया अभी उम्र हो गया और नाम कर नहीं सकता है तो उभर जाए छोड़ नहीं सकता है खाने का रुचि नहीं है तो नाम कैसा खाऊ हमारा अभी लोक नाम पूर्ण नहीं हुआ। এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন এ গ্রন্থ লইয়া তাই করিল লঙ্কন। মহাপ্রসাদ ওর মহাপ্রভু কা প্রসাদে কেসা ছোড়ে ঠিক হ্যাঁ থোড়া এসা লিয়া মুমে দিয়া আর ফির হরিনাম করনে লাগ গোবিন্দ যা কর মহাপ্রভু কো বাতা এসাই হ্যায়
हरिदास ठाकुर टूटता नहीं, प्रसाद भी पता नहीं। आर दिन महाप्रभु तार ठाई आईला, सुस्त हो हरिदास तहारे पूछिला। महाप्रभु आया दूसरे दिन, क्या हरिदास ठीक है? बोले प्रभु जी शरीर तो हमारा सुस्त है, लेकिन दो चीज हमारा सुस्त नहीं है। बोले कौन सा चीज? नहीं, एक बुद्धि, दूसरा है मन। शरीर सुस्त है क्यों? उम्र वाला शरीर जैसा चलना चाहिए चल रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मन भी ऐसे है। प्रभु कहे कौन वैदि कहो तो निर्णय, देह कहे शंख कीर्तन पूरण ना है। बोले क्या रोग हुआ बताओ? बोले रोग यही है, एक में एक रोग हुआ। बोले क्या? हमारा शंका पूर्ण नहीं हो रहा है। हरिदास ठाकुर का शंका कितना था? 3 लाख। 3 लाख नाम जो 3 लाख शंका है आपके पास, हमारा तो सुनने से डर आ जाता है। 3 लाख, 1 लाख करने से तो माता घूमेगा, शरीर घूमता है, 3 लाख कैसे है? और उतना उम्र हो गया तो बोलता प्रभु जी एक रूप व्याधि हो गया। बोले क्या? नाम पूर्ण नहीं हो रहा है। प्रभु कहे विद्ध होइला शंका अल्प करो, सिद्ध देव तुम्ही साधने आग्रह केने करो। बोले अरे उम्र हो गया, नाम तो थोड़ा कम कर दो, और तुम तो सिद्ध पुरुष है, ये तो साधक का लिया है, तुम तो भजनम करा ना करो, तुम्हारा लिए क्या है? लोग निस्तारित यही तुम्हारा अवतार, नाम महिमा लोके गोरीला प्रचार। तो लोग निस्तार करने के लिए हरिदास ठाकुर का अवतार और नाम का महिमा चारी हुआ प्रचार किया, इसलिए उसका नाम है नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास। तो क्या हुआ एक बार, वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, सड़क गोस्वामी, उसका घर का नजदीक एक धर्म सभा हुआ तो हरिदास ठाकुर की किया, तो सब प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर को बैठाया और नाम का महिमा पूछा। तो हरिदास ठाकुर बोलता है देखो, नामाभास हो जाए तो उसका मुक्ति हो जाता है, सुनकर के उसमें एक पंडित था, उम्र थोड़ा कम था, वो पंडित ने उठा और खड़ा हो गया, बोलता है हरिदास ठाकुर ठीक से बात बोलो, कितना साधन भजन करने से भी मुक्ति नहीं होता है और तुम क्या बोलता है नामाभास में मुक्ति हो जाए, तुम्हारा बात सही नहीं है। चिल्लाने लगा हरिदास ठाकुर तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप चुप हो गया। अब वो चिल्लाने बोला देखो, हम भी ब्राह्मण का लड़का है और शास्त्र ग्रंथ पढ़ा है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं तुम्हारा बात सत्य हो तो हमारा कुष्ठ व्याधि हो जाएगा, और हमारा बात सत्य तो तुम्हारा कुष्ठ हो जाएगा, तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा जब बोला सब लोग तो उठाया और उसका बिल्कुल यहाँ से निकाल जा, और ये तो निंदा कर रहे उसको से निकाल दिया, लेकिन उसका उम्र था कम और देखने भी अच्छा है, ब्राह्मण का लड़का। और हरिदास ठाकुर को सब बोला हे हरिदास ठाकुर आपको बोला करके हम लोग इसे अपमान कराया, आप हम लोग अपमान कर दिए। चलो बच्चे लोग क्या बोलता है, हरे कृष्ण बोलते बोलते अपना भजन चल गया। और 3 दिन हुआ नहीं, क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण का लड़का था ना उसका कुष्ठ व्याधि हो गया, और इतना सुंदर सुंदर ये उंगली का सब विशेष हो गया, यहाँ भी हो गया, ये नासिका गल के पढ़ने लगा और पूरा शरीर हो गया, देखने का मौका नहीं है, और इतना यंत्रणा चिल्लाते है, सब लोग का बड़ा आनंद हो। हाँ पत्र हरिदास ठाकुर की गाली पड़ा ना, उसका फर्क तो नहीं पड़ा, उसका कोई हेल्प नहीं किया।
तो इससे चारों ओर समाचार हो गया, बोले देखो हरिदास ठाकुर जी बोला भी ठीक है। तो शास्त्र में है सांकेतन परिहसम दोवम हिलोम अभियोगा भिगुवर नर मात्र तारय कृष्ण नाम। सांकेत, सांकेत नाम किसको बोलता है? एक वैष्णव जा रहा है माला लेकर हरे कृष्ण करके रोड में, कोई देखा दो दोस्त जा रहा है हमारे काम है, तो वो तो देखने चले, एक उसे देख देख के ऐसा हरिनाम कर रहा है जा रहा है, तो जब नजदीक में आ गया हरे कृष्णा बोलो भी बोलो, ऐसा होली के संतुष्ट के लिए बोला, वो जा रहा है देख करके थोड़ा हास्य करके बोला, कई सांकेत नाम परिहास करके बोलता है दोस्त दोस्त मिल करके, ऐसा सांकेत परिहास तो खेला करके बोलता है, कोई भाव से बोले हरिनाम करे तो उसको हरिनाम मुक्ति दे दे, जैसा आग है ना, तुम इच्छा करके उसमें हाथ लगाओ और अनिच्छा में लगाओ और कोट करके लगाओ और प्रेम से लगाओ, आज जलेगा कि नहीं, जैसा जलेगा ऐसा हरिनाम कोई भाव से करे, ऐसा है दीक्षा ले या नहीं ले, हरिनाम का काम तो हरिनाम करेगा, हरिनाम करते हो, इसलिए बोला महाप्रभु ने बोला हरिनाम 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 ही भगवी बोलो कलो नास्ते 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 बोलती। हमारा जो प्रभु था ना, यहाँ का प्रभु हमारे साथ जब जब भेद होता था देखता है हरिनाम तो करता है, प्रभु का बहुत हरिनाम में निष्ठा, तो इसके लिए विशेष करके ये युग में हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति। तो महाप्रभु ने बोला तुम तो सिद्ध महात्मा है, हमारा हरिनाम करने का क्या है? तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, हरिदास कहे सुन मोर निवेदन, हरिदास ठाकुर तो प्रभु जी हमारा बात सुन, हीन जाति जन्म मोर निंद कलेवर हीन कर्मे रत मुई अधम पामर अदृश्य अस्पृश्य मरे अंगीकार कहिला उरव हईते मरे वैकुंठे चढ़ाइला स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें हाँ इच्छा माए जगत ना चाहो जारे जैसे इच्छा है, तो भगवान स्वतंत्र ईश्वर है परतंत्र नहीं है, वो अपना इच्छा से सब काम करता है, जिसको जैसा नाचाता है वही उसे ही नाचता है। अनेक नाचाइल मोरे प्रसाद करिया विप्रे साद्र पात्र खाइल म्लेच्छ हइया एक बांचा हय मोर बहुदिन हईते लीला सम्भरिबे तुमि लय मोर चिते। तो जो भजन साधन करने वाला है ना मुक्त पुरुष है, वो लोग जान जाता है भगवान का क्या लीला चल रहा है क्या चलेगा, तो सोच लिया प्रभु जी लीला संगठन करे, लेकिन हम तो वो दिन नहीं सर्च नहीं कर सकेगा, इसलिए प्रभु का पहले हमको जाना पड़ेगा, तो प्रभु जी आपका पहले हम चलो सही लीला प्रभु मरे कबू ना देखाइबा अपना आगे मोर शरीर पारिबा, और हम जब छोड़ी छोड़ेगा तब हमारा कैसा अवस्था रहेगा ये बोलता है। हृदय धरिमु तुमार कमल चरण नयने देखू तुम्हार चाँद बदन, जब हमारा शरीर छोड़ने का टाइम होगा आपका चरण हम हृदय में धारण करें, आंख से आपका बदन कमल दर्शन करें और मुंह से
जीवायुच्चारिमुपमार कृष्ण चैतन्य नाम एई मत मोर इच्छा छाड़ी वो पुराण ऐसा हमारा इच्छा है आपका चरण में हमारा ये निवेदन। इसलिए जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है पता चल जाए तो भगवान का नाम जोर जोर से करना चाहिए, पता चले तो अच्छा है और पता नहीं चले तो हर समय के लिए होली नाम करते रहो, जब टाइम आ जाए आने दो। तो हरिदास ठाकुर ऐसा ही वंश है कि हम आपको कर जरूर मोर इच्छा ए मोर ए इच्छा यदि तुम्हार प्रसादी ए निवेदन मोर करो दया मोर इच्छा अपनी आप कृपा कीजिए इच्छा हमारा पूर्ण हो जाए। देखो भगवान का कृपा नहीं होने से कोई मरने का समय भगवान का नाम करना नहीं चाहिए, क्यों माया उसको तो पकाते है ना। तो भगवान कृपा करे तो माया को होटाए और माया का होटाए लगता है हरिनाम करे, नहीं तो हरिनाम कर नहीं सकता। तो इसलिए गीता में क्या बोला है, जो हमारा शरणापन्न हो जाए हम उसका माया हटा देते हैं। तो हरिदास ठाकुर शरणापन्न हो गया, प्रभु कहे हरिदास जे तुम्हें मागिबे कृष्ण कृपा माए तहा अवश्य करिबे। हे हरिदास तुम जो मांगेगा कृष्ण अवश्य पूर्ण करेगा, लेकिन एक बात है तुम्हारा ये करना ठीक नहीं है, जो हम रहते रहते तुम चल जाओ। चरण धोरी कहे हरिदास ना करियो माया अवश्य मदमे प्रभु करो यही दया। तो प्रभु हरिदास प्रभु का चरण पकड़ लिया, प्रभु जी आप माया धर है आपका स्नान है, सब माया आपका हाथ में है, तो हमारा ऊपर माया मत कीजिए प्रभु जी, माया उठाइए और हमारा जो इच्छा पूर्ण कीजिए, आपको दर्शन करते करते हम सुना। तो महाप्रभु राजी हो गया। भक्त वत्सल तुमि मोहि भक्त भास अवश्य पूजे प्रभु मोरे आश, मतदान करते प्रभु चलिला अपने ईश्वर दिव्या काली दिवेंद्र रोशनी प्रभु दाय करिया लिंगन, मतदान करते समस्त चलिल प्रातः काले ईश्वर देखि सब भक्त लइया हरिदासी देखते आईला शीघ्र करिया। सुबह सब भक्त लेकर महाप्रभु आ गया हरिदास के पास, हरिदास आगे आशी दिला दर्शन हरिदास बंदिला प्रभु राल कृष्ण प्रभु करे हरिदास कहो समाचार। हरिदास कहे प्रभु जय हरिदास कैसा है बोलो। बोले प्रभु जी कल तो बात हो गया और आप आ गया, बस हम आपको चरण दर्शन करते करते सोई सोएंगे। तब महाप्रभु सबको बोला कीर्तन शुरू कर दो। अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन भक्ति सर पंडित कहा करे नर्तन। सब लोग तो महाप्रभु बोला है तब कीर्तन कर, सब कीर्तन करना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
सार्वभौम सवार अग्रते हरिदासर गुण प्रभु लागिला कहिते हरिदासर गुण कहिते हईला पंचम कहिते कहिते प्रभु बारे महासु हरिदास ठाकुर का महिमा महाप्रभु ने स्वीकार किया सब भक्त का पास हरिदासर गुण सवार विस्मित है मन सर्वभक्त बंदी हरिदासर चरण बोल श्री हरिदास ठाकुर की जय हरिदास निजाग्रते प्रभु रे बसाइला निज नेत्र दुई भिंग मुख पद में दिला हरिदास ठाकुर अपना नेत्र जहां पड़ेगा ऐसा जाएगा मैं महाप्रभु को मतलब देख पाए और दो नेत्र को दो भमर का मापी प्रभु का मुख पद्म कमल में निजित कर दिया शाहिदाय आनी धरिल प्रभु चरण सर्वभक्त पदरेन मस्तक भूषण और सब भक्त का चरण धूलि ले लिया अपना शीत पर और महाप्रभु का भवन दर्शन कर रहा है और मुंह में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोले बार बार प्रभु मुख माधुर पिए नेत्र जलाधार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यही बोल रहा है और आंख में पानी झर रहा है श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण नामेर सहित प्राण करिल प्रमाण श्री कृष्ण चैतन्य ये बोलते बोलते प्राण तो अपना इच्छा से प्राण लिया महाजोगेश्वर प्राय सत्संधि मरण भीष्मेर निर्जान सवार हुईल स्मरण हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कलहल प्रेमानंदी महाप्रभु हईल विवल सब भक्त जो जोशी भई हरि कृष्ण गोविंद जोर जोशी सब कीर्तन कर जाए और हरिदास ठाकुर का चारी ओर सब नृत्य कर और महाप्रभु अपना गोद में हरिदास ठाकुर का शरीर उठा लिया और पुरी में हरिदास ठाकुर का समाधि एक जाएगा जो लोग पुरी जाता है वो दर्शन करना तो हरिदास ठाकुर समाधि महाप्रभु अपना हाथ से दिया और भंडारा करा जगन्नाथ प्रसाद से उधर भंडारा होता है यहाँ कह रहे है सबारे पराइल प्रभु माल चंदन भोजन करिया सबे कहिल आचमन प्रेमाविष्ट हैया प्रभु करें भरदान सुन भक्त गणे जुड़ाए प्रणाम महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहा है वरदान कर रहा है जो जो हरिदास ठाकुर का वो भंडारा में जोड़ दिया हरिदासर विजय उत्सव जे कहिल दर्शन जे यहाँ नित्य कहिल जे कहिल कीर्तन जे ताहारे बालुका दीते करिल गमन तार मध्य महोत्सव जे कहिल भोजन जिसने दर्शन किया ये महोत्सव जो नित्य किया जो कीर्तन किया और जो बालू दिया समाधि में और जो महोत्सव में प्रसाद पाया अचिरे सवार हवि कृष्ण प्राप्ति हरिदास दर्शन शक्ति तो बोलते है जो खाया जो नाचा जो गाया जो दर्शन किया जो बालू दिया हर का कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा कृपा करी कृष्ण मरे दिया संग स्वतंत्र कृष्ण इच्छा हईल संग भंग हरिदास इच्छा जब हईल चलिते हमार शक्ति नारी तहारे राखिते
जय जय हरिदास बोली करत ध्वनि एत बोली महाप्रभु नाचेन अपनी तुलसी हरिदास ठाकुर की जय। सबे गाय जय 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 हरिदास नामेर महिमा सिंह करिल प्रकाश। सबे तबे महाप्रभु सब भक्ति विदाय दिला হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা। এই তো কইল হরিদাসের বিজয় যার শ্রবণে কৃষ্ণে জীব ভক্তি হয়। তিহা বল রা হ্যায় উহা তো যে লোক যোগ দিয়া ও লোক তো কৃষ্ণ পাক্ষ হোগা, লেকিন যে লোক ইয়া আবি শুনেগা এই হরিদাস ঠাকুর কা ই মহিমা, তো এ লোক কা ভি দৃঢ় ভক্তি লাভ হোগা কৃষ্ণ চরণে। চৈতন্যের ভক্ত বাৎসল্য ইহাতে জানি ভক্ত বাঞ্চা পূর্ণ কইল নাসি শিরোমণি। শেষ কালে দিলা তারে দর্শন করসন তারে কোলে করি কইলা আপনি নর্তন। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বহু দয়ালু। আমরা এক মঠ হ্যায় বাংলা মে ও জায়গা কা নাম হ্যায় চুচুড়া, কলকাতা সে এক ঘন্টা কা রাস্তা, গঙ্গা কা কিনার মে ও আশ্রম হ্যায়। উহা কা যে গৌর নিতাই হ্যায় ও শিবাস পণ্ডিত কা পূজিত হ্যায়। তো ও লোক বংশ পরম্পরা সেবা করতে থা আদি গৌরী মার কে দিয়ে দিয়া ও মন্দির পরম গুরুজি কো দিয়া কেশব মহারাজ। তা যা পরম গুরুজি উহা থা উস সময় আমারা গুরুজি উস সময় প্রেস কা কাম করতে হ্যায় ও কিতাব দেখতে হ্যায়। एक बूढ़ी माता गीताई गौर का ये तो लीला में कृपा किया, विग्रह रूप से कृपा कैसा करता है ये बोल। हम लोग का तो लीला में जाने का ताकत नहीं है, विग्रह तो दर्शन कर सकते, ये भी कृपा करता है। तो वो बूढ़ी माँ ऐसा गरीब आदमी भिक्षा करते जो अच्छा कुछ मिलता था मठ में दे देते। हर दिन मन में आकर ठाकुर जी जो अर्चन का बर्तन है वो धोता था, मठ से प्रसाद देने से वो थोड़ा लेता था। बोलता था हम तो सेवा कुछ नहीं कर सकते है, हम कैसा मठ का ज्यादा खाऊं, हमारा हाथ में थोड़ा प्रसाद। तो एक दिन हमारा गुरुजी कोई किताब पढ़ता था और बैठ बैठ कर कैसे पुरुष देख रहा है तारंदा में, और वो थोड़ा दूर में बर्तन धो के और ऐसा मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूरा शो के लंबा होकर प्रणाम किया। और प्रणाम करते करते ऐसा ही बोल रहा है गुरु जी को बोला सुनता है, हे गौर हे नित्यानंद प्रभु जी मुझ पर कृपा कीजिए, अरे हमारा मरने का समय हो गया, आप दोनों आ जाइए, हम आप दोनों का साथ जाऊंगा, ऐसा मरना तो हम नहीं मरूंगा, आप दोनों आइए आपका साथ जाऊंगा, ऐसा ही बोल रहा है। गुरु जी दे रहा क्या बोल रहा है बुढ़िया, हे निताई गुरु आइए आपको साथ जाऊंगा। फिर थोड़ा चुप हो गया, दो मिनट बाद फिर बोलता है अरे आ गया घूमते आ गया, इतना सुंदर है आपका रूप, अरे हर दिन हम दर्शन करते हैं इतना सुंदर तो नहीं, आज तो आपको रोम रोम से ज्योति निकलता है और मुख कमल इतना ज्योति है, हे नीता हे गुरु हमारा जीवन धन्य हो गया, आप दोनों हमारे पास आ गया, हम आपके साथ चलेगा, हम आपके साथ चलेगा, चलो चलो मैं जा रहा हूँ, बस चलो चलो मैं जा रहा हूँ बोला और छावन बंद हो गया। दस मिनट जब सुहा है गुरु जी देखते उठा नहीं, तो गुरु जी क्या ओ बुढ़ी माँ ओ बुढ़ी माँ और कहाँ बुढ़ी माँ, तो चल गया गुरु जी तक। तो परम गुरु जी का घर में गुरु जी चल गया, बोले गुरु जी बोला क्या है, अरे वो बुढ़ी माँ ऐसे ऐसे बात, बोला हम जानता है गौरी तो आकर उसका लेकर सुनो क्या ब्रह्मचार्य को खबर दे दो। और जैसा एक साधु संतो देवता करने से जैसा सब व्यवस्था करता है हम लोग, इसको ऐसा ही करना, अच्छा ही भंडारा होगा, ये बुढ़ी माँ बड़ा भाग्यवती है, गौर नीताई आकर तो साथ सब ले गया। तो ये हमारा बोलना है आगे भी गौर नीताई कृपा करता, ये ज्यादा दिन का बात नहीं है। तो गौर नीताई खुद आकर
ले गया। वहाँ का गौड़ नृत्य एक ऐसा बात है और आदमी को भी नृत्य करता है, गान करता है, जिसका भाग्य अच्छा है वही देख सकते। गीता में भी है, अद्याप्य शैली लीला करे गोराराय, जारे कृपा करे से देखी बारे पाए। तो अद्याप्य लीला चलता रहता है, तो दीता जिसको कृपा करेगा उसका दर्शन मिलेगा। तो आज हमें हरिदास ठाकुर का जो महिमा पढ़ के सुनाया और हमने सुना है, और प्रभु जी के उद्देश्य में ये हम भगवान का पास प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु जी का प्रति भगवान कृपा करे, हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु। और प्रभु तो प्रभु बड़ा सरल और वैष्णव तो था ही था, सरल वैष्णव है, और भजन साधन में बहुत रुचि था। मरने का समय किसी का किसी भाव से मानना पड़ेगा। ये जगत में जब आया ये ऐसा कष्ट करके मरा, ये अच्छा मरा, ये सब बात नहीं है। मरने का समय उसका मन कैसे है वही जानना चाहिए, वो हम लोग जान भी नहीं पाते, वो भगवान जानता है। तो जिसका मन में भगवान का चिंता रह जाए तो अच्छा है। तो प्रभु जी का तो मन भगवान में होना ही चाहिए, तो इसलिए हमारा सरस्वती ठाकुर का समय एक ब्रह्मचारी को सांप काट दिया, बहुत पहले का बात है। उस समय तो इंजेक्शन निकाला नहीं, सांप काट दिया। तो हम लोग क्या सोचेगा, इस साधु का सांप काट दिया मार गया, इसका तो गति खराब होगा। लेकिन सांप भी काटा है मार भी दिया, लेकिन सरस्वती ठाकुर तो राधा रानी का महल का आदमी, उनने उसका विरह तिथि में वक्तृता दे रहा है, देखो ये जो ब्रह्मचारी को सांप काटा है यार, मियां मर गया है ना, ये गलत वृंदावन चल गया और कान्हैया का शाखा बन गया और उसका साथ शक रस में और गोसारण लीला में जोड़ दिया है। तो इसलिए कोई वैष्णव इच्छा मर रहा है वो हम लोग इच्छुक से देख करके कुछ समझ नहीं है। गीता में है अंत काले अंत काले च मामे स्मरण मुक्त काले व, अंत काल में हमारा चिंता कर सके, मुंह में नहीं बोल सकता है। ऐसा शरीर हो जाता तो मुंह में बोलने का ताकत नहीं रहता है, भले मन में हमारा चिंता करे तो हम तो उसके हमारा पास जाए। तो जो सारा जीवन होली नाम करेगा, होली का चिंतन करेगा, उसका सेवा करेगा, अंत काले तो होली को उसका चिंता करने का व्यवस्था कर देगा। इसलिए प्रभु जी का प्रति हमारा श्रद्धांजलि धन्यवाद है, प्रभु जी जहाँ है वहाँ से कृपा करे, और हम लोग भी होली नाम करते करते चले, प्रभु जी जहाँ गया जाना तो पड़ेगा सबको, कोई दो दिन पहले जाएगा भजले हरि का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का बना
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय 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 जय